आइए अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसकी अधिसूचना जिलाधिकारी अनिल कुमार ने जारी करते हुए कहा कि पहले चरण का चुनाव गंगेश्वरी हसनपुर, दूसरे चरण में गजरौला धनौरा और तीसरे चरण में जोया, चौथे अंतिम चरण में अमरोहा ब्लॉक में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होगी। डीएम अनिल कुमार, एसपी मंजिल सैनी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव हर हाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाएंगे, इसके लिए पूरी चौकसी बरती जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अफवाहें फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीएम एसपी ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील भी की है। जिसकी अधिसूचना जिलाधिकारी अनिल कुमार ने जारी करते हुए कहा कि पहले चरण का चुनाव गंगेश्वरी हसनपुर, दूसरे चरण में गजरौला धनौरा और तीसरे चरण में जोया, चौथे अंतिम चरण में अमरोहा ब्लॉक में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होगी। डीएम अनिल कुमार, एसपी मंजिल सैनी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव हर हाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाएंगे, इसके लिए पूरी चौकसी बरती जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अफवाहें फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीएम एसपी ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील भी की है। ब्लॉक्स पे जो आरओ रहेंगे उनके साथ हमारे न्याय पंचायत बार एआरओ रहेंगे, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है तो वो आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए होगा, लेकिन हमारे जो एआरओ रहेंगे न्याय पंचायत बार रहेंगे। इसी प्रकार से अब क्योंकि हमारे कुछ क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के वार्ड ऐसे हैं जो कि दो न्याय पंचायतों में हैं, तो उनके नॉमिनेशन पेपर से लेके चुनाव आवंटन तक और चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए एक एआरओ को नामित किया गया है, तो उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। मतलब वो दोनों न्याय पंचायत में से कोई एक एआरओ उसका काम करेगा तो वो हमने नामित कर दिया है। इसी प्रकार से कुछ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र हैं जो कि दो ब्लॉक्स में लगते हैं और हो सकता है वो दो ब्लॉक अलग अलग चरणों में इलेक्शन में जा रहे हों, क्योंकि हमारा जो मतदान है वो विकास खंड वार होगा, तो इसलिए वार्ड जो कि दो विकास खंड में सम्मिलित हों उनके नॉमिनेशन पेपर से चुनाव आवंटन की कार्रवाई उसी चरण में की जाएगी जिस चरण में उन दोनों या तीनों विकास खंडों में से जिसका क्षेत्र पहले लगता हो। मान लीजिए जैसे हसनपुर गंगेश्वरी पहला चरण में है और दूसरा चरण में गजरौला और धनौरा है, हो सकता है एक वार्ड ऐसा हो जो कि हसनपुर में भी लगता हो और गजरौला में भी लगता हो, तो उसके नॉमिनेशन पेपर से लेकर चिन्ह आवंटन तक की कार्रवाई पहले चरण में क्योंकि हसनपुर है तो हसनपुर के साथ की जाएगी, लेकिन जो मतदान है वो अलग अलग होगा। तो मतदान जो हसनपुर गंगेश्वरी वाला हिस्सा है वो पहले चरण में हो जाएगा और गजरौला धनौरा में जो लगता है वो दूसरे चरण में हो जाएगा। इसी प्रकार से जो जिसका जोया से है, अमरोहा से है, तो वो उन्हीं चरणों में होगा। मतलब मतदान तो विकास खंड वाला चरण बने उससे होगा और जो क्षेत्र जो जिला पंचायत के वार्ड हैं उनमें नॉमिनेशन पेपर से लेकर, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर से चुनाव आवंटन की कार्रवाई एक साथ ही होनी होती है, इसलिए जिस विकास खंड में उसका हिस्सा लगता है और जो पहले पड़ता है उस विकास खंड के साथ, शुरुआत वाले विकास खंड के साथ उसका नॉमिनेशन पेपर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे जिला पंचायत के वार्ड हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 10 से 18 जो है उसके नॉमिनेशन पेपर से चिन्ह आवंटन तक की कार्रवाई पहले चरण में की जाएगी, यानी 23 से 25 तारीख के बीच में। और जो सेकंड चरण में हमारे वार्ड पड़ेंगे जिला पंचायत के 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारे सेकंड चरण में आएंगे। तीसरे चरण में पड़ेंगे 1 से 19, 20, 21, 22, 23 और चौथे चरण में पड़ेंगे 2, 3, 4। तो नॉमिनेशन पेपर इनका वार्ड वार होगा लेकिन इलेक्शन जो हमारा ब्लॉक वार होगा, जो मतदान है वो ब्लॉक वार होगा। जो हमारे क्षेत्र पंचायत से लेकर जो प्रधान तक का जो मतगणना है वो विकास खंड स्तर पे की जाएगी और रिजल्ट भी विकास खंड स्तर पे आरओ द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, परंतु जो हमारे जिला पंचायत के जो
काउंटिंग है उसका काउंटिंग तो ब्लॉक पे ही होगी, परंतु जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो जिला पंचायत का सदस्य का जिले स्तर पे सीडीओ साहब अपने यहाँ कराएंगे। जिला पंचायत के लिए नॉमिनेशन पेपर कलेक्ट्रेट में लिए जाएंगे और सभी विकास खंडों पे जो हमारे ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके नॉमिनेशन पेपर विकास खंड पे विकास खंड के सभागार में लिए जाएंगे। जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग विकास खंड के मुख्यालयों पर होगी। गंगेश्वरी की राजकीय महाविद्यालय रहरा गंगेश्वरी और हसनपुर की सुखदेई इंटर कॉलेज हसनपुर, गजरौला का शिव इंटर कॉलेज गजरौला, धनौरा का राष्ट्रीय इंटर कॉलेज धनौरा, जोया का सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर और अमरोहा का राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा। पहले चरण में जैसे मैंने बताया गंगेश्वरी हसनपुर होगा इलेक्शन, दूसरे में गजरौला धनौरा होगा, तीसरे में जोया होगा, चौथे में अमरोहा होगा। कुल मिला के जो इस समय वर्तमान में हमारे पास 702 मतदान केंद्र हैं जिसमें 13 से 34 मतदेय स्थल हैं। 702 मतदान केंद्र, 13 से 34 मतदेय स्थल। कुल क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे 557 हैं। कुल ग्राम पंचायतें हमारे 484 हैं। कुल ग्राम पंचायत सदस्य हमारे 5968 हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का भी चिन्हांकन हो गया है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया रहती है, इसमें कई बार चेंज भी होते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स के हिसाब से या कुछ और कोई और कारणों से कुछ चेंज हो सकता है। तो हमारे इस जो 702 मतदान केंद्र है उसमें 262 हमने संवेदनशील चिन्हित किए हैं और 285 हमने अति संवेदनशील चिन्हित किए हैं। मिला के 13 से 34 जो हमारे मध्य स्थल जो है हमारे वो है 13 से 34, क्योंकि हमारा इलेक्शन फेजेस में होगा तो हमें जो हम पोलिंग पार्टी बना रहे हैं लगभग हम 1100 का मानक बना रहे हैं। हमारे 13 से 34 मध्य स्थल है क्योंकि हमारा एक फेज में ही इलेक्शन नहीं होगा, हमारे 4 चरणों में इलेक्शन होगा, तो हम 2 सेट ऑफ पार्टी बना रहे हैं, है ना। 2 सेट ऑफ पार्टी में से पहले चरण की पार्टी में 425 हमारी पार्टी है इसी प्रकार से जो तृतीय चरण में है हमारे वो 298 है, तृतीय चरण में 382 है। तो हम लोगों को अंदाजन लगभग 900 पार्टियों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हम फर्स्ट और थर्ड फेज को एक साथ क्लब कर रहे हैं और सेकंड और फोर्थ फेज को एक साथ क्लब कर रहे हैं। तो 425 प्लस 382 लगभग 900 हो जाता है, 900 से थोड़ा कम है, लेकिन मतलब फिर हम लोगों को 10% रिजर्व भी रखना होता है। तो हिसाब से 900 के आसपास हमें लगभग पार्टी बनानी है, तो हमें रैंडमाइजेशन के हिसाब से हमें लगभग 1100 की पार्टी का हम रैंडमाइजेशन करेंगे, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। उसमें हम लोगों ने फीडिंग कर ली है। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा और विवरण भी दिए हैं आगे आपको कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपया है, जमानत का 500 है, प्रधान के लिए 300 है, जमानत का 2000 है, सदस्य के लिए 300 है, जमानत का 2000 है, सदस्य जिला पंचायत के लिए 504000 है और आरक्षण में ये राशि आधी हो जा रही है। मान में जैसे आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि विगत एक माह से हम लोग अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे पास आदेश आए थे जो हमारी जनशक्ति है उसके संचारण के लिए हमारे पास जितनी पुलिस फोर्स यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रहे हैं और फैज़ाबाद में प्रिकॉशंस के लिए काफ़ी फोर्स का वहाँ मूवमेंट हुआ है और सभी जिलों से फोर्स क्लोज की गई है। तो हमें जनपद में इस समय हमारा कुछ फोर्स, थोड़ा सा फोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में चला गया है और कुछ फोर्स हमारा फैज़ाबाद गया है और हमें थोड़ी सी पीएसी मिली है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन जितना हमारे पास फोर्स उपलब्ध है उसको हमने सभी का मूवमेंट सभी को कमरबंदी में कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमको होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान हमको मिले हैं, उन सभी को हमने क्लोज कर लिया है और हमने संवेदनशील कुछ ऐसे मोहल्ले और गांव और कुछ चौकियां थाने चिन्हित किए हैं, वहां पर उनका फोर्स का मैंने मूवमेंट ज़्यादा रख दिया है, वहां पर ज़्यादा नियुक्ति मैंने की है।
जनशक्ति के संबंध में। इसके अतिरिक्त जो हमारे संसाधन हैं, जैसे जितनी हमने चौकियां चिन्हित की थी उन सभी को मैंने गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं, हम लोगों ने किराए पे गाड़ियां ली हैं ताकि फोर्स की जो मोबिलिटी है मोबिलिटी ज़्यादा बढ़े और प्रत्येक गांव मोहल्ले में जो इस तरह के स्थान हैं जो संवेदनशील है वहाँ पर पुलिस का मूवमेंट ज़्यादा रहे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे संसाधन हैं, हमारा आर्म्स एम्युनिशन या हमारा जो भी अश्रु गैस संसाधन हमने सभी को, उन सभी का जो हमने मांग करनी थी वो कर ली है। इसके अतिरिक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम अभी एक सिटी में लगने वाला है जिससे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और एक हमने हसनपुर में अपने स्तर से एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाया है जिसमें हम कंट्रोल रूम से या थाने पर बैठकर कोई भी अधिकारी होगा वो पूरे क्षेत्र के या कस्बे पर एक भयावह आतंक की स्थिति उन्होंने बना दी थी। इसके अतिरिक्त मैंने मोबाइल कंपनी से भी संपर्क किया है जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमने उनसे एक SMS और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हमने उनसे कहा है करने के लिए, जिसमें हम कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपील करेंगे। जैसे कोई SMS उसे हम अपील करेंगे जनता से, प्रत्येक मोबाइल आजकल 70-80% जनता के पास मोबाइल है तो उसका हमने उसकी काट भी हमने सोची है कि कैसे हम उसको रोक पाएँ, तो हमने संपर्क किया है। इसमें हमने अभी तक आइडिया कंपनी से हमने संपर्क कर लिया है जिसमें वो समय समय पर इस तरह की यदि कोई अफवाह फैलती है तो उसमें हमारी मदद करेंगे और जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो 24 तारीख के संबंध में ये, और इसके अतिरिक्त हम डेली, अब हमने एक अभियान शुरू किया है जिसमें डेली हम लोग फ्लैग मार्च किसी ना किसी मोहल्ले में किसी ना किसी गांव में, बेसिकली जो ज़्यादा सेंसिटिव है इस एंगल को देखते हुए, उनमें हमने फ्लैग मार्च डेली शुरू किया है जिसमें हमारे अधिकारी, हमारे CEOs, हमारे एडिशनल SP और संबंधित हमारे मैजिस्ट्रेट्स उसमें फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वो कल शायद अमरोहा सिटी में हुआ था, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। इसके अतिरिक्त हमने एक शराब के वितरण को लेके, क्योंकि चुनाव का माहौल है, उसका एक सघन अभियान एक महीने तक चलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे वांछित इनामी अपराधी क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर एक महीने का एक हमने एक सघन अभियान कल से शुरू किया है, जिसमें मुझे पूरी आशा है कि हम लोग मेहनत करके अच्छी इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे ताकि एक मैसेज सबको जाए कि इस समय ऐसे वातावरण में किसी प्रकार की कोई भी गलत कार्य या कोई भी आपराधिक एक्टिविटी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से जोन सेक्टर इत्यादि के बारे में प्रकाश डाला है। चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन कटिबद्ध है और उसी के अनुरूप मतदान के दिन, मतदान के पूर्व एवं मतदान के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले मतदान केंद्रों की बात है तो जो अभी तक DGP के कार्यालय से, चुनाव कार्यालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, मतदान केंद्रों पर N+1 के हिसाब से हमको पुलिस बल लगाना है। उसके अनुसार जो एक बूथ वाला मतदान केंद्र है वहाँ पर हमने 1 आरक्षी, 2 होमगार्ड, 1 चौकीदार या PRD के जवान लगाए हैं। अभी जो हमारे पास फोर्स की उपलब्धता है उसके हिसाब से हम लोगों ने टेंटेटिव प्लान किया है, इसमें परिवर्तन संभावित है फोर्स की उपलब्धता के आधार पर। 2 बूथों वालों पर कुल मिला जुला करके हमारे 6 कर्मचारी रहेंगे, जिसमें 1 हेड कॉन्स्टेबल, 2 कॉन्स्टेबल, 3 होमगार्ड और 2 PRD के जवान। इस तरीके से सामान्य फोर्स है। इसके अलावा जो 3 बूथ वाले हैं या 3 बूथ से ऊपर के सामान्य मतदान केंद्र हैं उन पर हमने एक अतिरिक्त उपनिरीक्षक स्तर के भी अधिकारी को ड्यूटी पर लगाया है। उस दिन संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील सामान्य केंद्रों की जहाँ तक बात है उस पर सामान्य पुलिस बल के अलावा हर 1 बूथ वाले अतिसंवेदनशील पर 2 सशस्त्र आरक्षी एवं 2 होमगार्ड, 2 चौकीदार एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, चेकिंग की जाती रहेगी। कुल मिला जुला करके ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था है और हमारे पास जो पुलिस बल उपलब्ध है उस पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर हमने ये प्लान बनाया है।